वन ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान, फर्स्ट कोरिंथियन 14 चैप्टर, प्रोवर्ब्स 3-4, एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान, फर्स्ट पहले कोरिंथियों की पत्री 14 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय 4 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, और हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। शराब अखासे इकतरा अखासे अखासे इकत के। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर इन वचनों को हम पिता अपने अंदर लेते हुए खुदा परमेश्वर इसमें पूरी तरह से आज्ञा पालन करने का पवित्र अनुग्रह हम में दे। हम तेरे राज्य को बढ़ाने वाले, आत्माओं को बचाने वाले और शांति का राजदूत प्रभु यीशु मसीह को हम में से जाहिर करते रहने वाले बनने दे। तेरा उजियाला बड़ा है खुदा परमेश्वर, जिसके अंदर अंधेरा छिप नहीं सकता है। हम तेरे हो चुके लोग हैं खुदा परमेश्वर, तेरे ऑर्डरलीनेस में हमें फिट एंड फिक्स कर। आज नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए, तू वचन सिखाने के लिए, हमें परमेश्वर के ऑर्डरलीनेस में फिट एंड फिक्स करने के लिए आया, इसीलिए हम तुझे स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हम तुझसे प्रेम करते हैं पवित्र आत्मा, और तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से हम में रहने के लिए दिया गया है, और तू हम में रहकर हमें परमेश्वर के अधीन लाता है, आज्ञा पालन सिखाता है, और हमें परमेश्वर के भेद और गहरी बातें हम में खोलता है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, हमारा ओबीडियंस और ऊंचे स्तर पर लेकर आ, हमें फिट एंड फिक्स कर, हमारे जीवन में परमेश्वर का ऑर्डरलीनेस हम में पूरी तरह से उतर कर आने दे। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर। चैप्टर 14, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 14, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। प्रोफेसी कमेंटेड 2-4 एंड प्रेफर्ड बिफोर स्पीकिंग विथ टंग्स, बोथ मस्ट बी रेफर्ड टू एडिफिकेशन, वुमेन फॉरबिडन टू स्पीक इन द चर्च। हम ये इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, अब हम वचन के पहले वचन से शुरू करेंगे। फॉलो आफ्टर चैरिटी एंड डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, बट रैदर दैट ये मे प्रोफेसाई, फॉर ही दैट स्पीकेथ इन एन अननोन टंग स्पीकेथ नॉट अनटू मैन बट अनटू गॉड, फॉर नो मैन अंडरस्टैंडेथ हिम, हाउ बीट इन द स्पिरिट ही स्पीकेथ मिस्ट्रीज, बट ही दैट प्रोफेसाइथ स्पीकेथ अनटू मैन टू एडिफिकेशन एंड एक्सॉल्टेशन एंड कम्फर्ट, He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. I would that ye all speak with tongues, but rather that ye prophesied, for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret that the church may receive edifying. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation or by knowledge or by prophesying or by doctrine, and even things without life-giving sound, with a pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped? For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification. Hallelujah.
Therefore, if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me. Even so, yea, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Wherefore, let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also. I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also. Else, when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? For thou verily givest thanks well, but the other is not edified. I thank my God, I speak with tongues more than ye all. Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than 10,000 words in an unknown tongue. Brethren, be not children in understanding. Howbeit in malice be a children, but in understanding be men. In the law it is written, with men of other tongues and other lips will I speak unto this people, and yet for all that will they not hear me, saith the Lord. Aur ek bar padhenge 21 words. In the law it is written, with men of other tongues and other lips will I speak unto this people, and yet for all that will they not hear me, saith the Lord. Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that ye are mad? But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all, and thus are the secrets of his heart made manifest. Hallelujah. And so falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of a truth. How is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying. Hallelujah. Thank you, Jesus. 27 verse aage padhenge. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. Let the prophets speak two or three, and let the other judge. If anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace. Amen. Let the first hold his peace. Amen. 31 verse aage. For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may comforted. May be comforted.
and the spirits of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Thank you, Jesus. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church. What? Came the word of God out from you, or came it unto you only? If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. Hallelujah. पहले कुरंथियों की पत्री 14 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे. भविष्यद्वाणी और अन्य अन्य भाषाएं. पहले वचन से प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो. विशेष करके यह कि भविष्यद्वाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है. हालेलुया. परंतु जो भविष्यद्वाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है. हालेलुया. जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यद्वाणी करता है वह कलसिया की उन्नति करता है. मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यद्वाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यद्वाणी करने वाला उससे बढ़कर है. और एक बार पढ़ेंगे 5 वचन. मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यद्वाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यद्वाणी करने वाला उससे बढ़कर है. हालेलुया. 6 वचन से आगे, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यद्वाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का शब्द साफ न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे. जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी. इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा. इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदान की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो. हालेलुया. 13 वचन आगे, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके. हालेलुया.
इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू जो भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाएं बोलता हूँ परंतु कलेसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सयाने बनो। हालेलुया। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराए मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी न सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। और भविष्यवाणियां अविश्वासियों के लिए नहीं, यस, आमीन, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? हालेलुया, थैंक यू जीसस। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। और एक बार पढ़ेंगे 24 वचन, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। उपासना में अनुशासन 26 वचन से आगे, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। हालेलुया। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। और एक बार पढ़ेंगे 27 वचन, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। हालेलुया। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और शांति पाए। भविष्यवाणी से शांति मिलती है। हालेलुया। वेरी बिग लेसन, भविष्यवाणियों से शांति मिलती है। थैंक यू फादर गॉड। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है।
क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? 37 वचन से आगे, यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। ओके। परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी न मानो। परंतु यदि कोई यह न माने तो उसको भी न मानो। 39 वचन से आगे, अतः हे भाइयों, भविष्यद्वाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रोवर्ब्स 3:4 हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एक्सॉल्टेशन टू वेरियस ड्यूटीज, हैप्पी गेन ऑफ विजडम, 3:1 से पढ़ेंगे। माय सन, फॉरगेट नॉट माय लॉ बट दाइन हार्ट, कीप माय कमांडमेंट्स। For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy praises shall burst out with new wine. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is every one that retaineth her. The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath he established the heavens. By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.
My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. So shall they be life unto thy soul and grace to thy neck. Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble. When thou liest down, thou shalt not be afraid. Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. Say not unto thy neighbor, go and come again, and tomorrow I will give, when thou hast it by thee. Devise not evil against thy neighbor, saying, he dwelleth securely by thee. Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm. Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the froward is abomination to the Lord, but his secret is with the righteous. The curse of the Lord is in the house of the wicked, but he blesseth the habitation of the just. Surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. Chapter 4. Solomon to persuade obedience shows what instruction he had of his parents. First verse padenge. Hear, ye children, the instruction of a father, and attain to no understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments and live. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding. Exalt her, and she shall promote thee. She shall bring thee to honor when thou doest embrace her. She shall give to thine head an ornament of grace. A crown of glory she shall deliver to thee. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. I have taught thee in the way of wisdom. I have led thee in right paths. When thou goest, thy steps shall not be straitened, and when thou runnest, thou shalt not stumble. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. For they sleep not, except they have done mischief, and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. 17 verse aage padenge. For they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. My son, attend to my words. Incline thy ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life.
put away from the froward mouth, and perverse lips put far from thee. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. नीति वचन तीन अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से युवकों को सलाह तीन और चार अध्याय पढ़ना है हम तीन से शुरू करेंगे युवकों को सलाह पहले वचन से हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा कृपा और सच्चाई तुझ से अलग न होने पाए वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना तू तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा तू अति बुद्धिमान होगा तू अपने समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमंडता रहेगा हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाशमंडल से ओस टपकती है हे मेरे पुत्र ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में न होने पाए खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी अचानक आने वाले भय से न डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा जिनका भला करना चाहिए यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना कल मैं तुझे दूंगा जब तेरे पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहते हैं तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना उपद्रवी पुरुष का के विषय में डाह न करना न उसकी सी चाल चलना क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीषें होती है ये वचन और एक बार पढ़ेंगे 33 वचन दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है हालेलुया
बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। बुद्धि के लाभ चार अध्याय पहले वचन से। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन करे तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तो प्राप्त करे, उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे 24 वचन। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। आमीन। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, ल्यूक 19 चैप्टर 41 वर्स से 48 वर्स, 1 सैमुअल 18 चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 41 से 48 वचनों तक पढ़ना है, पहले शमूएल के पत्री 18 अध्याय। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को अपने व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में हम पढ़ना है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो ये वचन हमारे लिए अंधकार को हटाकर उजियाले से हमें भरता है। हमारे दिलो दिमाग के अंदर जो कुछ भी डाउट्स है, फियर्स है, जो कुछ भी हमको नहीं पसंद है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमने वो पसंद करना है, तो हम नहीं पसंद करना चाहते, हमारी जिद लगी रहती, ऐसे टेढ़े मार्ग जो है, जो हमारे जीभ से छल कपट निकलता है, जो हमारा हृदय एक प्रकार के जलन से, एक प्रकार से खिजाहट से भरा रहता है, फ्रस्ट्रेशन से भरा रहता है, स्ट्रेस में रहता है, ये सारी जो
बातें हैं, ये अंधकार की बातें हैं, ये सेहत खराब कर देती है, मन खराब कर देती है, रिश्ते खराब कर देती है, ये सब कुछ का प्रबंध, ये सब कुछ का नियोजन फिट और फिक्स कर देने का काम वचन करता है। इसके लिए हमने ये वचनों को अपने अंदर लेना है और पूरे मन के साथ पूरे सोध बोध रखते हुए हमने इसको अपने जीवन में चलना है और हमने उसके आज्ञा पालन में अपने आप को दे देना है। हम ऐसा करते हुए जाएंगे तो 2 साल के अंत में परमेश्वर की तैयार किया हुआ व्यक्ति पर्सनालिटी होकर हम निखर कर आएंगे और ऐसा ही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने के लिए योग्य बनता है और यूज़ किया जाता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, निश्चित हमने इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, तेरे धर्म प्रेम न्याय की रीति हमें सिखा खुदा और उसमें हमें फिट एंड फिक्स कर हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, इसमें से सब कुछ इकट्ठा करके खुदा परमेश्वर हमारे अंदर फिट एंड फिक्स कर और हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ और हम तेरी महिमा को हमारे अंदर से देख पाए और कर पाए। ऐसा बहुत सुंदर समय हमारे जीवन में, परिवारों में, हमारे रिश्तों में, हमारे सारे व्यवहारों में रिलीज होने के लिए हम विनती करते हैं, नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस। रिबांत आश्कर बखे एक हसी हिकत किन बिरी खोल रहा खासा, थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस। रिखे लरबा अखासे हिकत किन बिरी खोल रखांत्र खासते लाभ ओह कसी इकत किन बिरी खोल रखांत्र खास कर बखासे इकत किन बिरी खेल रखांत्र खासता, नासरी यीशु के नाम से सारी प्रार्थना बिनतियों को करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर गॉड।